दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम और उसके ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन थी। एक तो डीएफ और रेडियो में बहुत कन्फ्यूजन थी, उसके सिलेबस में और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी, बहुत लोगों के कमेंट्स आए। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको जितने भी लोगों ने कमेंट किए थे उन लोग कमेंट्स के आंसर दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को, आप में से भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसी कन्फ्यूज़न होगी कि भैया सिलेबस क्या है या फिर कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं, और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा वो सारी, क्योंकि देखिए आप जब फॉर्म डालते हैं आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन भले ही हो आपकी, लेकिन अगर आपने फॉर्म डालने में मिस्टेक कर दी, एक छोटी सी भी अगर मिस्टेक कर दी और फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और बहुत टाइम बाद वैकेंसी आई है। तो देखिए, एक मैडम ने पूछा था कि भैया क्या गर्ल्स जो है वो एसएफ में जा सकती है क्या? तो मैं उनको बता दूं कि आपको एसएफ में जाने की क्या ऐसी ज़रूरत है जो आप एसएफ में जाना चाहती है, क्योंकि एसएफ जो है उसकी स्थायी ड्यूटी नहीं होती है, तो इसलिए एसएफ आपके लिए ठीक नहीं है। आप रेडियो, अगर आपके पास रेडियो की क्वालिफिकेशन हो तो आप रेडियो में जाइए, अप्लाई करिए, या फिर रेडियो की नहीं है तो आप डीएफ में जाइए, थोड़ा सा डीएफ में आपको ठीक रहेगा। ऐसे में प्रॉब्लम देखिए, डीएफ में भी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि नाइट ड्यूटी, नाइट में भी कभी कभी बुला लिया जाता है, तो प्रॉब्लम्स तो रहती है, लेकिन एसएफ में क्या है, आपकी स्थायी ड्यूटी नहीं रहेगी। दूसरा, एक भाई ने पूछा था कि आई साइड जो है वो अगर 19:20 हो, यानी कि 6:9 हो, तो चल जाएगा क्या? तो देखिए, मेडिकल के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आपकी हाइट कम नहीं है, यानी कि 168 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए 155, इससे कम अगर आपकी नहीं है हाइट, तो आपका सिलेक्शन 99% हो जाएगा। आपको चेस्ट वगैरह में या फिर वेट में या फिर आई साइड में किसी में भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छे से प्रिपरेशन करो, चैनल पर जाओ, पूरे वीडियोस देखो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एमपी जीके सीरीज है, एमपी के मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर जो जीके में जीके के पूछे गए वो निकाले हैं, साइंस के क्वेश्चन निकाले हैं, रेडियो का मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाला है, तो सारे वीडियोज़ देखो। घर के पास के लिए प्रेफरेंस क्या है, यानी कि अगर तैयारी भी करनी है और घर के पास भी रहना है, तो घर के पास के लिए देखिए, डीएफ में आप अपने पास का ही ज़िला, यानी कि आप जिस भी ज़िले से, भोपाल से हैं तो आप सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, आसपास के ज़िले ले सकते हैं अगर आपके अच्छे नंबर हो तो। दूसरा, रेडियो में भी आपको लेकिन रेडियो में फिक्स नहीं रहेगा कि आपको किस ज़िले में भेज दिया है, फिर भी आसपास के ज़िलों में ही भेजेंगे, पर रेडियो में फिक्स ड्यूटी है, और डीएफ में क्या है, थोड़ा सा ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं है, कभी डे में लग जाएगी, कभी नाइट में ड्यूटी हो जाएगी। दूसरा, उसमें ज़्यादा ड्यूटी रहती है डीएफ में, एसएफ में टाइम मिल जाएगा लेकिन फिक्स ड्यूटी नहीं है, आपको कभी इस ज़िले में रहना पड़ेगा, कभी इस ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में रहना पड़ेगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो डीएफ सही रहेगा और रेडियो भी सही रहे, दोनों चीज़ आपके लिए सही है। रेडियो के लिए बुक कौन सी, देखिए रेडियो के लिए एक पर्टिकुलर बुक मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको जो कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है, एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह हो गए, लैंग्वेज हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, इंटरनेट एक्सेस से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ये आपको पढ़ना है, तो उसके लिए मैं बुक कंप्यूटर वाली बता देता हूँ। एक तो अरिहंत की आप ले लीजिए, एक लूसेंट की ले लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी परचेस करने के लिए, अरिहंत की, लूसेंट की, एक कोई से पीजीडीसी या डीसी अगर आपने किया है, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो रेडियो के लिए, तो वो बुक आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ जाएंगे आप। एमपी पुलिस के लिए बुक, एमपी पुलिस के लिए देखिए बुक, अगर मैं जीके की बात करूँ तो आपको अगर नॉर्मली जीके पढ़ना है तो पुणेकर की आप एमपी जीके ले लीजिए, या फिर आप लूसेंट की जीके, देखिए पुणेकर में एमपी जीके आपका रहेगा और लूसेंट की जो जीके बुक है उसमें आपका पूरा भारत और वर्ल्ड कवर हो जाएगा, क्योंकि भारत और वर्ल्ड से भी पूछते हैं उसमें, तो एक तो पुणेकर एमपी जी के ले लीजिए, दूसरा आप लूसेंट सबके पास मिल जाती है, दोनों चीज़ें आप देख लीजिए, नहीं है आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप परचेस कर लेना। उपकार के आप एमपी जी के देख लीजिए, अरिहंत के एमपी जी के देख लीजिए, नॉर्मली आप 2021 का जी के मिल जाएगा, और पुराना भी जो बेसिक है, बाकी मैंने एमपी पूरा कंप्लीट कराया है, एमपी जी के सर ने, हमारे संदीप सर ने, वो सीरीज़ आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे नोट्स बना लीजिए, उसी में से आएगा। टाटा देखिए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो टाटा मेगरा की एक एमपीजी की बुक आती है, वो ले लीजिए, परचेस कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। रीजनिंग के लिए मैं आपको परफेक्ट की सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए, परफेक्ट की वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग बुक, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा, विद्या की अगर आपको मिल जाए रीजनिंग की बुक, विद्या के 5 सेट आते हैं उसमें, आपको देखिए 2-3 लोग मिलकर ले लीजिए, 60-70 के एक सेट आएगा तो आपको 350 के लगभग पड़ेंगे,
तो आप दो तीन लोग मिलकर ले लीजिए, कभी वो बुक से वो सामने वाला वो पढ़ लेगा कभी, क्योंकि तो 5 अलग अलग सेट आएंगे उसमें, अलग अलग बुक आएंगी, तर्क शक्ति की अलग आएगी और पास वगैरह घड़ी की अलग आएगी इस टाइप से। मैथ्स के लिए देखिए आर एस अग्रवाल बेस्ट बुक है, शारदा पब्लिकेशन बेस्ट बुक है ना, आप ट्रिकी मैथमेटिक्स में मत जाओ। दूसरा एक गाइडर का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, गाइडर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने शायद, तो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए एमपी का। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर कुछ समय पर करवाए हैं वो पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस सेट करना है तो प्रैक्टिस सेट के लिए कोई भी ए टू जेड कोई भी 10 से 15 सेट जिसमें 20 सेट हो वो ले लीजिए। दिल्ली से फॉर्म भर सकते हैं कि भैया देखिए मामा जी ने ओपन कर दी है तो अब क्या कहूँ मैं आपके लिए, लेकिन आप भर सकते हैं फॉर्म। तो रेडियो का सिलेबस देखिए, रेडियो का सिलेबस मैंने आपको बताया है एक, उसके लिए अलग ही वीडियो है रेडियो की सिलेबस क्वालिफिकेशन के लिए, आई बटन पर देख लेना, चैनल पर जाना स्टार्टिंग में दिख जाएगा। और मैं बता दूं आपको कंप्यूटर बेस्ड पूरा सिलेबस रहेगा। डीसीए वाले रेडियो में अप्लाई कर सकते, भैया डीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आईटीआई जिनके पास है दो ईयर डिप्लोमा, जिनके पास 3 ईयर डिप्लोमा है, किसी के पास कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी कि पॉलिटेक्निक जो बोलते हैं उसको, वो है अगर, या फिर बीटेक के 4 वर्षीय डिप्लोमा, तीनों में फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए तीनों में ही आप फॉर्म डाल सकते हैं अगर आपके पास रेडियो की भी क्वालिफिकेशन है, और 10वीं तो सबके पास होगी होगी, तीनों में फॉर्म डाल सकते हैं आप। लेकिन उन्होंने देखिए आप तीनों में फॉर्म डाल सकते हैं तो क्या आप दोनों के कट ऑफ में रहेंगे, तो ये बिल्कुल 99% चांसेस आप दोनों में रहेंगे। उन्होंने लिख के तो नहीं दिया, लेकिन अगर आप दोनों फॉर्म डाल सकते हैं फिर दोनों के कट ऑफ में रहेंगे। तो मान लीजिए आपके 80 नंबर रेडियो में आए और 80 नंबर नॉर्मल पेपर में आए, तो आपका दोनों के लिए आप क्वालिफाई हो गए है ना, आपका जीडी के लिए आप क्वालिफाई हो गए, डीएफएसएफ के लिए वो रेडियो के लिए। फिर आप नेक्स्ट आपका रनिंग वगैरह हो गया, फाइनल मेरिट में आप रेडियो का क्वालिफाई नहीं कर पाए, रेडियो की लिस्ट गई भाई 80 पे और नॉर्मल जो डीएफ की गई वो गई 78 पे, आपके 80 नंबर थे, तो आपका डीएफ में सिलेक्शन हो जाए। ये बिल्कुल 99% चांसेस है ना। लेकिन उन्होंने जब फॉर्म डालने का अलग ही दे दिया है कि भैया तीनों को फॉर्म डाल सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। रेडियो वालों का डीएफ में होगा कि नहीं, हाँ मैंने बताया है हो जाएगा। दोनों में भरे तो दोनों के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, हाँ दोनों के अगर भरोगे तो 100 नंबर का तो मैथ्स जीके वाला हो गया और 100 नंबर का रेडियो का बेस्ड हो गया। जीडी और डीएफ एक ही है क्या? देखिए जीडी और डीएफ एक ही है, मतलब जीडी जो है आपकी रैंक है, कॉन्स्टेबल जीडी बोला जाता है, आरक्षक जीडी है ना, सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी, डीएफ कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी है ना, ये आपकी रैंक है जो आप आरक्षक पद के लिए भर्ती हो रहे हो, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे डीएफ रेडियो में क्या डिफरेंट है वो वीडियो मैंने बनाया है। 80+ नंबर अगर आप नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है, बिल्कुल लिख के रख लो, फाइनल मेरिट के लिए बोल रहा हूँ। तो वो वाला वीडियो देख लेना, अभी मैं 45 या 50 डेज के स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। बीएससी सीएससी रेडियो को फॉर्म भर सकते, क्योंकि बीएससी जो है वो डिग्री है 3 वर्षीय और डिप्लोमा उन्होंने मांगा 3 वर्षीय। अगर फॉर्म अप्लाई हो जाता है तो आप कर दीजिए। अब लोग सभी रेडियो के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे, 138 तो पोस्ट ही है और उसकी जो लिस्ट है वो भी हाई जाएगी। एक ईयर का पीजीडीसीए डिप्लोमा है, देखिए एक ईयर का पीजीडीसीए डिप्लोमा नहीं चलेगा। रेडियो में तकनीकी परीक्षा योग्यता अनुसार होगी क्या? देखिए योग्यता अनुसार नहीं होगी, तकनीकी परीक्षा होगी रेडियो की, लेकिन योग्यता अनुसार नहीं कि आपके पास आईटीआई किया तो आप आईटीआई के हिसाब से पूछा जाएगा, या आपने बीटेक किया तो उसके हिसाब से, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपकी सबका एक ही पेपर होगा रेडियो वालों का। साइन इंग्लिश में कर सकते हैं, साइन आप उर्दू इंग्लिश संस्कृत किसी में भी, गुजराती में मराठी में किसी में भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। मालूम है कर दो भाई, मालूम है तो ठीक नहीं रहेगा, मालूम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके कमेंट्स जो आए थे, किसी को हाइट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट करके बताएं। मैंने जो माइनर कुछ कुछ निकाले जिनमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बाकी आपको अगर फॉर्म भरने में कोई कन्फ्यूज़न हो जिले चॉइस करना में डीएफएसएम, तो उससे रिलेटेड एक पूरा वीडियो बनाया है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है, वो वीडियो आप देख लें। देखिए वीडियो आप देख लें, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप चैनल पर जाएं, कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कर दें। दूसरा मैं आपको वीडियो बता दूंगा कि ये वाला वीडियो देख लो आप, तो ये सारी चीज़ें आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। फॉर्म भरा रहे हैं, फॉर्म जल्दी से भरती, देखिए हाँ जाति प्रमाण पत्र किसी के पास, अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लो है ना, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर लगेगा, नहीं तो फिर आपका फिर जनरल में हो जाएगा। EWS अगर आपका नहीं है EWS सर्टिफिकेट, तो EWS बना लो है ना, बाद में एक नहीं लगेगा, पहले आपको जब प्रोफाइल बनेगी उसी में डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा रहेगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा है कि जब मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का,
तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी वो क्लियर हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कन्फ्यूजन है। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें आप अरुण पटेल ऑफिशियल से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ।